सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता है हर एक चीज़ को बहुत इलेबोरेट पढ़ने का. हमें लगता है कि हमें कुछ आज के दिन की इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सम बुलेट पॉइंट्स और इन द फॉर्म ऑफ MCQ मिल जाए. तो मैं आपके लिए सब लेके आती हूँ सो दैट आप जल्दी जल्दी से पूरे दिन में जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं उनको रिवाइज़ कर पाएँ. आपके लिए एक बहुत शॉर्टकट सा वे है, अगर आपके पास थोड़ा टाइम नहीं है, जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बट कहीं वर्किंग भी हो या कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में भी जाते हैं, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका. हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है, दो आंसर इज फ्लैश्ड हियर बट देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का कि विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर द पब्लिक हॉलिडे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योतिबा फूले, ठीक है. ये करी है किसने, राजस्थान की गवर्नमेंट ने हॉलिडे. ज्योतिबा फूले के बारे में तो आप जानते ही हैं, ही वॉज वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, एक सोशल वर्कर थे और इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को सतारा महाराष्ट्र में. सत्यशोधक समाज के फाउंडर हैं और इन्होंने वैसे भी वीडो रीमैरिज या गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और ये आपके जो चाइल्ड मैरिज इनके अगेंस्ट, मतलब एक बहुत बड़े सोशल वर्कर की तरह इन्होंने काम किया था, ठीक है. 1888 में एक बहुत बड़ी महासभा रखी गई थी मुंबई में जहाँ पर इनको महात्मा का नाम दिया गया था, ओके. तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए राजस्थान ने क्या डिक्लेयर करा है, हॉलीडे डिक्लेयर करा है, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अब प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री दैट इज हुई द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इनॉग्रेट किया एक ऐप एंड द नेम ऑफ द ऐप इज भरोसा, ठीक है ना, भरोसा से भरोसा मतलब ट्रस्ट ऐप. किसके साथ रिलेटेड है वो, ठीक है. तो दिस ऐप इज रिलेटेड विद द वुमेन सेफ्टी. ये जो भरोसा ऐप है ये किसके साथ रिलेटेड है, वुमेन सेफ्टी के साथ रिलेटेड है. यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इसको कि ये एक्चुअली मैं शायद मैंने आगे इन्फॉर्मेशन डाली होगी कहीं पे, चलो वहाँ पे देख लेंगे इसको. यहाँ पे देखते हैं वो इनॉग्रेट कर रहे थे, एक हाई कोर्ट के इवेंट में गए थे प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे उन्होंने इस ऐप को जो है वो इनॉग्रेट करा, ठीक है. सिंपली आपको इतना ही बताना था. यहाँ पे देखो कि विच कंट्रीज फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ द फॉरेन अफेयर्स, नॉट प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर्स ऑफ द फॉरेन अफेयर एंड हिज नेम इज अमीन, ठीक है ना. आप देखेंगे इनका नाम थोड़ा सा, बिकॉज ही बिलोंग्स टू कंट्री यूक्रेन, है ना, यूक्रेन से बिलोंग करते हैं. अमीन जैपेरवा, डी इज अ साइलेंट, इज ऑन द 4-day विजिट इन इंडिया फ्रॉम द अप्रैल 9. तो वो कौन सी कंट्री के, यूक्रेन. यूक्रेन और रशिया की वॉर के क्वेश्चंस आपको जरूर प्रिपेयर करके जाने चाहिए, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा. तो ये डिप्टी मिनिस्टर ऑफ द फॉरेन अफेयर्स एंड हिज नेम इज अमीन जैपेरवा, वो इस टाइम यूक्रेन के हैं और इंडिया के 4-day विजिट पे आए हुए हैं, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज़ लॉन्च अ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इन किबतू. किबतू आपको पता ही है, किबतू इज अ लास्ट विलेज, इंडिया का लास्ट विलेज है और ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में किबतू, ठीक है ना, लास्ट विलेज है एंड इट इज ऑन द बैंक ऑफ लोहित रिवर. लोहित रिवर जो ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है. बॉर्डर विलेज इन अंजवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन 10 अप्रैल 2023. मींस कि किसने इनॉग्रेट किया एक प्रोग्राम, प्रोग्राम इनॉग्रेट करा गया किबतू में और प्रोग्राम का नाम था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. इसको इनॉग्रेट किया होम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री अमित शाह ने, ठीक है. ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में बेसिकली है क्या चीज़ है कि बहुत सारे बॉर्डर विलेजेस को, 3000 बॉर्डर विलेजेस को अपग्रेड किया जाएगा सो दैट वहाँ से लोगों की माइग्रेंट, मतलब वो वहाँ से माइग्रेट ना करें और एरियाज में. और क्योंकि जितने भी आपके बॉर्डर एरियाज पे विलेजेस होते हैं, एक तो यहाँ पे हमेशा ही चैलेंज बना रहता है फॉरेन अटैक का, सेकंड यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है. तो इन्हीं विलेजेस को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया. अगर आप एक बार यहाँ पे न्यूज़ में देखें, ये एयर इंडिया की न्यूज़ है, अगर आपने इसको देखे तो आपको थोड़ा सा और पता चलेगा कि इसमें स्पेशली क्या किया गया है. ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्रीहेंसिव मतलब बहुत बड़े लेवल पे इसको स्टार्ट किया जाएगा और डेवलपमेंट की जाएगी अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ द सेवरल स्टेट्स. कितनी स्टेट्स
रहेंगी अगर आप इसमें देखें तो नियर अबाउट 3000 में अगर आपने प्योर फिगर लेनी हो तो 2963 विलेजेस, कितने बोले 2963 विलेजेस पूरी कंट्री में उनको इस स्कीम के अंडर जो है वो मतलब डेवलप किया जाएगा, ठीक है ना। इतने विलेजेस होंगे कितने डिस्ट्रिक्ट्स के, 19 डिस्ट्रिक्ट्स के, कितने ब्लॉक्स के, 46 ब्लॉक्स के, समझ में आ गया, ठीक है। तो 19 डिस्ट्रिक्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट्स तो आपको पता है ये बॉर्डर के अराउंड जो भी स्टेट्स होंगी उनके 19 डिस्ट्रिक्ट के, 46 ब्लॉक के, 2963 विलेजेस को डेवलप किया जाएगा। और पहली फेज में 11 डिस्ट्रिक्ट के, 23 ब्लॉक्स के, 1451 विलेजेस, ये इसका क्या है फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में इतना किया जाएगा, बाकी जो बच जाएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। इसका मेन मोटिव तो आप समझ ही सकते हैं कि इट इज द बॉर्डर विलेजेस को डेवलपमेंट करनी है सो दैट ये कनेक्ट हो पाए जो आपके मेन स्ट्रीम वाले विलेजेस हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट एज वेल एज डिजिटली भी इनको कनेक्ट करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बोली गई है वो कौन सी है, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द विलेजेस ऑफ द नॉर्दर्न बॉर्डर स्पेशली। एक तो पॉपुलेशन जो माइग्रेट हो रही है और उसके साथ साथ में इन एरियाज में, इन एरियाज को वॉर के लिए भी इनडायरेक्टली प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आर्मी ने आना जाना है तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लेजेंडरी थिएटर एक्टर एंड को फाउंडर, मतलब थिएटर एक्टर हैं और को फाउंडर थे अक्षरा थिएटर के, किसके, अक्षरा थिएटर के, जालाबाला विद्या, ठीक है। क्या नाम है इनका, जालाबाला विद्या। अब रिसेंटली उनकी डेथ हुई, आपको डेथ डेट तो कोई एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है 9th अप्रैल 2023 में, बट हाँ आपको क्वेश्चन आ सकता है कि को फाउंडर ऑफ द अक्षरा थिएटर जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई उनका नाम क्या है, जालाबाला विद्या, आपने याद रखना है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है, उन्होंने बेटा क्या किया है, एक फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया निकाला है डोगरी वर्जन में। डोगरी आपको पता है कहाँ की भाषा है, हिली एरियाज में से तो जे एंड के लोग इसको ज़्यादा बोलते हैं, बट हिमाचल के भी कुछ अपर पार्ट्स में बोली जाती है, बट बेसिकली इन जे एंड के, ठीक है। तो डोगरी वर्जन में कॉन्स्टिट्यूशन को निकाला है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और इसको आउट करने का एक ही मीनिंग है, वो क्या है, वाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूशन की। वाइड अंडरस्टैंडिंग करनी है हमने किसके, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, समझ में आ गया। इसके लिए जो है ये आपका डोगरी वर्जन में कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया है, रिलीज करा गया, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डोगरी मतलब कौन से वर्जन में कॉन्स्टिट्यूशन को अभी पहली बार निकाला गया था, ठीक है, तभी आम आदमी के पास पहुंच पाएगी ना, सो दैट उसको वो पढ़ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इलेक्शन कमीशन ग्रांट्स द नेशनल पार्टी स्टेटस टू आम आदमी पार्टी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन आपको पता है किसी भी पार्टी को, नेशनल पार्टी बनेगी, स्टेट पार्टी बनेगी, या तो या उसको वो दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा, जितने भी चीजें हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो इलेक्शन कमीशन ही अनाउंस करता है। तो उसने आम आदमी पार्टी को कौन सा दर्जा दे दिया है, नेशनल पार्टी का। नेशनल पार्टी में अगर हम देखें तो दीज आर द नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया, कौन कौन सी है, आम आदमी पार्टी अभी रिसेंटली बनी है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल पीपल्स पार्टी। ये आपकी कंट्री की कौन सी पार्टीज है, नेशनल पार्टीज है, कौन सी पार्टीज है, नेशनल पार्टीज, ठीक है, आपने याद रखना है। इसी के साथ साथ में इलेक्शन कमीशन ने और क्या डिसीजन लिए हैं वो आप देखेंगे कि नेशनल पार्टी स्टेटस, मतलब इन सारी पार्टीज का नेशनल पार्टी स्टेटस खत्म कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। वो कौन कौन सी पार्टीज है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी सेकंड है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेक्स्ट है, ठीक है ना। इनका जितना भी आपका नेशनल पार्टी का स्टेटस था वो वापस ले लिया गया। किस किस का बोला मैंने आपको, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। अब ये नेशनल पार्टीज नहीं रहे, और इसी के साथ में कुछ पार्टीज का स्टेट पार्टी होने का दर्जा भी वापस ले लिया, जिसमें कौन से है, RLD,
in Uttar Pradesh, BRS in Andhra Pradesh, PDA of Manipur, MPK of Puducherry, and RPS of West Bengal and MPC of Mizoram. ये सारी parties जो है upstate parties नहीं है, लेकिन specially जो main decision लिया गया वो आम आदमी पार्टी को एक national party का status दिया गया. तो किसी भी पार्टी को national party का status कैसे दिया जाता है? What is the criteria कि कोई भी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बनेगी? ठीक है, तो ये आप क्राइटेरिया देखो. नंबर वन कि अगर कोई पार्टी विंस एटलीस्ट 2% ऑफ द सीट इन लोकसभा इलेक्शन, समझ में आ गया, पूरी कंट्री में अगर लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें वो 2% सीट जीत के आती है तो जनरल इलेक्शंस में, ठीक है, तो और फ्रॉम एटलीस्ट 3 different states, है ना, कि 3 different states में इलेक्शंस होते हैं, मतलब अगर सिंपली समझ लो कि कोई भी पार्टी 2% सीट्स लोकसभा के इलेक्शन में जीत के आती है तो वो हमारी नेशनल पार्टी बन सकती है. सेकंड क्राइटेरिया, इफ अ पार्टी सिक्योर्स एटलीस्ट 6% सीट्स, अगर कोई पार्टी 6% सीट्स सॉरी वोट्स, ओके, यहाँ भी शायद मैंने सीट बोल दिया होगा तो आपने याद रखना है वोट्स, कोई पार्टी 2% वोट जनरल इलेक्शन लोकसभा में लेके आती है तो नेशनल पार्टी है. कोई पार्टी अगर 6% टोटल वैलिड वोट्स लेके आती है एनी 4 or more states एट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे हमारी स्टेट पार्टीज होती हैं और 4 state में मिलके उस पार्टी को, जैसे मान लो आम आदमी पार्टी है, आपको पता है इसने गोवा में, पंजाब में, दिल्ली में, इन सारे स्टेट्स में अच्छा परफॉर्म करा ना, ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या मिल गया, गुजरात में एंड, ठीक है ना, गोवा में, गुजरात में, पंजाब में और दिल्ली में, 4 state होगी ना, तो 4 state में मिलके ये मोर देन, पंजाब में तो गवर्नमेंट ही बना ली, बाकी में 6% से ज़्यादा वोट लेके आई है, चाहे आप स्टेट इलेक्शन की बात करो चाहे आप जनरल वो लोकसभा की बात करो, तो वो भी क्या बन जाती है आपकी नेशनल पार्टी. इफ़ अ पार्टी इज रिकोगनाइज एज अ स्टेट पार्टी एटलीस्ट 4 different states, मान लो कि कोई भी स्टेट पार्टी है, मान लो कि मैंने अपने नाम की शर्मा पार्टी बना दी, तो 4 state में अगर मुझे क्या मिल जाता है वहाँ पे, इफ अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज, चारों ही स्टेट में मेरे को स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा तो मेरी पार्टी क्या बन जाएगी, नेशनल पार्टी. ठीक है, तो बिकॉज 4 states के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, पंजाब में, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, इट इज अ यूटी, बट ठीक है, तो 4 state में अच्छा परफॉर्म किया, दैट इज़ वाई गोवा में, पंजाब में, गुजरात में और दिल्ली, दिल्ली इज़ पता ही आपको यूटी है, लेकिन उसको स्टेट, वहाँ की अपनी विधानसभा है तो इसलिए वहाँ के इलेक्शंस को काउंट किया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इलेक्शन कमीशन कब बना था, ये फॉर्म हुआ था 25 जनवरी 1950 को, इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली और एट प्रेजेंट हमारी कंट्री के इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश के कौन थे, सुकुमार सेन. कौन थे, सुकुमार सेन. ठीक है, ये भी आपको बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है. नेशनल मदरहुड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है, 11th अप्रैल. कब सेलिब्रेट होता है, 11th अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मदरहुड डे. मदरहुड आपको पता ही है कि बच्चे को जन्म देने से, प्रेगनेंसी एक बार आने से और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता और वो कम से कम 1 साल का नहीं हो जाता या उसके थोड़ा सा, जब तक उसको जितनी न्यूट्रिशन मदर को और इन्फेंट को ज़रूरत है, उन सब बातों का जो है इसमें ध्यान रखा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, यही मैं आपको कह रही थी कि क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया कि द क्वेश्चन, वहाँ पे जो आपकी भरोसा ऐप जो लॉन्च करी है, एक्चुअली गुवाहाटी हाई कोर्ट इन असम, मुझे याद नहीं आ रहा था कौन से हाई कोर्ट में उन्होंने इसको लॉन्च किया, तो ये भी आपने याद रखना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट इन असम में वो एक इवेंट में गए थे एंड ड्यूरिंग दैट इवेंट उन्होंने ये ऐप को लॉन्च किया. इस ऐप में क्या चीज़ें, अगर आप किसी बड़ी डिस्ट्रेस पोजिशन पर है तो डायरेक्टली आपकी बेल जो है वो चली जाएगी. आप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड मास्टर डी गुगेश विंस एट द वर्ल्ड चेस अर्मांगिंटन एशिया ओशिनिया इवेंट. ठीक है, तो इन्होंने, ये एक टीनेजर हैं और इन्होंने इस इवेंट में ये टाइटल को विन किया. दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट इवेंट और अगर आप इस इवेंट में देखें तो इन्होंने उज़्बेकिस्तान के, ठीक है, बीइंग अ
टीनेजर, ठीक है, मुझे वर्ड ध्यान नहीं आता, टीनेजर होने के बावजूद उन्होंने उज्बेकिस्तान के, दैट इज नॉड्रिक बेक, उनको उन्होंने हराया, ठीक है, और ये चैम्पियनशिप को, इवेंट को अपने नाम किया। तो बहुत बड़ी ग्रेट अचीवमेंट होती है ये जितने भी प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं और जो भी इन गेम्स को प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, दैट इज जयशंकर प्रसाद, उन्होंने तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट युगांडा में इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया, ठीक है ना। तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट एक्चुअली ये बीजेपी और उनके फ्रेंड्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें वो कल्चर, एक ओल्ड सिटीज़ को, जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिटीज़ है, उनके कल्चर को रेस्टोर करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। तो उसी में अभी युगांडा की यात्रा में गए थे, जहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया, ठीक है ना। और वट इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा, द कैपिटल ऑफ युगांडा इज कंपाला, क्या कैपिटल है उसकी, कंपाला। तो कंपाला में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया, जिसमें ये वाराणसी से, मतलब वाराणसी से स्टार्ट होकर जहाँ जहाँ पे भी बीजेपी की फ्रेंडली नेशंस हैं वहाँ वहाँ पे ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस नेवी सेज, मतलब यूएस नेवी ने बोला कि उन्होंने यूएसएस मिलियस, ठीक है ना, ये उनका आप बोल सकते हो कि एक नेविगेशनल, उन्होंने साउथ चाइना सी में जाके वहां पे अपनी नेविगेशनल एक्टिविटी को कंडक्ट किया, ये बोला है अमेरिका ने, अमेरिका का यूएसएस मिलियस, ठीक है ना। तो ये कंडक्ट्स आर नेविगेशनल राइट एंड फ्रीडम मिशन, मतलब वो साउथ चाइना सी, जिसको चाइना क्या करता है, क्लेम करता है कि ये मेरा है और यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है, वहाँ पे घुस के उन्होंने ये नेविगेशनल प्रोजेक्ट को जो था, मतलब ये जो एक्टिविटी आप बोल सकते हो, उसको कंडक्ट किया। और इसको कंडक्ट किया गया नेविगेशनल राइट्स एंड फ्रीडम मिशन, कि हमें राइट है नेविगेट करने का जहाँ पे हमें ज़रूरत है, ठीक है, उसके अंडर जो इंटरनेशनल ट्रीटीज के अकॉर्डिंग आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें बेटा, तो एक चीज़ यहाँ पे देखोगे, व्हाट इज दिस, दिस इज अ यूएस नेवी, ये क्या हो गया, ठीक है, वेट, तो यहाँ पे देखो आप, यूएस नेवी सेड दैट इट्स गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड, क्या ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड, यूएसएस मिलियस सेल थ्रू द वाटर्स क्लेम्ड बाय द बीजिंग इन साउथ चाइना सी इन द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन ऑन मंडे। मतलब उन्होंने बोला कि ये हमारा राइट है कि हम नेविगेट करें उस ऑपरेशन के अंडर, उन्होंने उस एरिया में साउथ चाइना सी में जिसको बीजिंग बोलता है मेरा, वहां पे नेविगेट किया, और किया किसने, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड ऑफ यूएसए, जिसका नाम था यूएसएस मिलियस, ठीक है। ये ऑपरेशन था अपहेल्ड द राइट्स फ्रीडम एंड लॉफुल यूजेस ऑफ द सी, कि हमें सी में जाने का राइट है, फ्रीडम है, और उसका लॉफुल, लॉ के अकॉर्डिंग जो यूज है उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपके ताइवान के पास, जहाँ पे क्लेम करता है चाइना, वहाँ तक ये जाके आए हैं। उस आइलैंड का नाम है स्पार्टली आइलैंड, क्या नाम है, स्पार्टली आइलैंड, जो बिल्कुल साउथ चाइना सी में है और ताइवान के बिल्कुल पास में है, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट, तो क्या बोले, यू नो कि वट काइंड ऑफ द कंडीशन इज देयर बिटवीन द, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में, तो क्लैशेस चले ही जाते, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर थे, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे, इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन जनरली आ सकते हैं, बट एक ही बात मैं बार बार बोलूंगी कि आपका एग्जाम बहुत हाई लेवल का नहीं है तो, ठीक है, अदरवाइज आपको इन सारी न्यूज़ को बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, स्पेशल तभी जब आप कोई आईएएस का ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। अगर आप सिंपली एसएससी, जीडी जनरल, अग्निवीर, एमएनएस, इवन योर एनडीए, एफकैट का भी एग्ज़ाम देंगे, इसमें से आपको बड़े जनरल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रह सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।